नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेड्यूल गवर्नमेंट सर्विसेज। और आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। जी हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल चुकी है रेलवे में। और वैकेंसी इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है CEN01/2018। जी हाँ, लगता है रविश सर का जो मुद्दा था वो काम आ गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी सत्यता क्या है, क्या ये रियल है या फेक है, क्योंकि बहुत सारे फेक वैकेंसी भी आप देख रहे होंगे, सर्कुलेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी वैकेंसी क्या है। ये देखिए, ये RRB मुंबई का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें नीचे जाते हैं और ये देखिए आपको लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट नोटिस CEN01/2018। ये कब से चालू होगा फॉर्म भरना? जी हाँ, आज अभी 10 बजे से, 3 फरवरी सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा ये देखिए, 5 मार्च 2018 के रात को 11:59 तक। ये देख सकते हैं, ये आपका हो गया RRB मुंबई का। अब देखते हैं RRB कलकत्ता का। ये देखिए RRB कलकत्ता का ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है इम्पोर्टेंट नोटिस में CEN01/2018। और चलिए देखते हैं कि अप्लाई होने पे क्या आता है। देखिए, जैसे आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख के आता है अंडर मेंटेनेंस, यानी कि ये विल स्टार्ट कब होगा, 3 फरवरी एट 10 AM। मतलब मात्र अब 48 मिनट और है, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा आज 3 फरवरी से। तो चलिए डिटेल जानते हैं इसका। देखिए, ये रिटेल है, 3 फरवरी को आज ही निकला है। सुबह के 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू होगा, 5 मार्च तक चलेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे फटाफट। देखिए, 2 स्टेजेस का एग्जाम होगा इसमें, स्टेज 1 स्टेज 2, दोनों CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। लास्ट में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ये देखिए, ये है वैकेंसी RRB वाइज, रेलवे वाइज समरी ऑफ द वैकेंसीज। सबसे ज्यादा किसमें है, इलाहाबाद। जी हाँ, लगभग इसमें 4800 के आसपास वैकेंसीज हैं इलाहाबाद में। और ये वैकेंसी देख सकते हैं आप किसमें कितना है, आपको जिस भी जोन में अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एज कितना है। जी हाँ, बहुत कोई दिक्कत होता है, एज क्या होता है। देखिए, इस बार एज जो रखा गया है वो 18 से 28 साल रखा गया है। जी हाँ, और जो SC ST और OBC हैं उनको कुछ रिबेट भी मिलेंगी इस पर। चलिए एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं कितना लगता है। पहली बार, जी हाँ पहली बार, आई थिंक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म का फीस है जनरल के लिए वो 500 रुपये है, और OBC के लिए भी 500 रुपये है, और बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लीजिए। 2 स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का CBT होगा, देखिए 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन होंगे इसमें। और क्वेश्चन किस चीज से होंगे, वही सेम चीज, GK GS रीजनिंग मैथ्स यही सब से होंगे, करंट अफेयर्स। चलिए अगर आप देखना चाहें इम्पोर्ट तो देख लीजिए किससे किससे क्वेश्चन होंगे। ये देखिए, मैथ से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, GS से क्वेश्चन होंगे, और ये आपका करंट अफेयर। अब आते हैं सेकंड स्टेज का। ये देखिए, सेकंड स्टेज का सेम सब कुछ सेम रहेगा। इस बार जो होगा वो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100। लेकिन सेकेंड स्टेज में 2 है, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। पार्ट ए में आपका जो स्टेज में पूछा गया तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स GS GK रीजनिंग और करंट अफेयर्स है। और पार्ट बी में जो पूछा जाएगा वो आपका टेक्निकल से पूछा जाएगा, जो आप ट्रेड होगा। तो देखते हैं पार्ट ए, पार्ट ए में 90 मिनट्स और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सिलेबस देखिए फिर सेम है, मैथ्स जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अब द, और ये करंट अफेयर, मतलब जो स्टेज वन में था वो स्टेज टू में भी रहेगा। लेकिन स्टेज टू का पार्ट बी है, स्टेज टू का पार्ट बी में 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपके अपने ट्रेड से रिलेटेड। जी हाँ, जो कि आपका DGET साइट पे मेंशन किया हुआ है कि आपको कौन से ट्रेड ले सकते हैं आप। तो देखिए, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखने की बात है कि इसमें कौन कौन भर सकता है। देखिए, कैंडिडेट्स विद ITI ट्रेड डिप्लोमा BTEC सब भर सकते हैं, और जो भी बच्चे क्लास 12th पास किए हैं मैथ्स और फिजिक्स से,
याद रखिएगा, मैथ्स और फिजिक्स से जो भी बच्चे 12th पास किए हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं कौन कौन भर सकता है। ये देखिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, डिप्लोमा, डिग्री, आईटीआई, अगर वो नहीं है आपके पास ये तीनों में से कोई, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके लिए ये भी अवेलेबल है। ये देखिए तो 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स के साथ आप पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे फटाफट हम लोग। ये सब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कैसा क्या है वो आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकल चुकी है, उम्मीद है आप इसे पसंद किए होंगे। और आज 3 फरवरी सुबह 10 बजे से, जी हाँ आज के दिन सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 5 मार्च तक फॉर्म भराएगा। तो फॉर्म भरना शुरू कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।